क्या हाल है गेमर? क्या हाल है गेमर? गाइस, आप लोगों ने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इंसान को देखा है? हाँ बोल भैया, फ्लैश है। आप लोगों ने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट हेजहॉग को भी देखा है? हाँ बोल भैया, सोनिक है। क्या आप लोगों ने सोनिक और फ्लैश को देखा है? बोल भैया, सोनिक फ्लैश को हाँ देखा है। नहीं, सिंचन तुम समझे नहीं, सोनिक और फ्लैश का कॉम्बिनेशन देखा है। बोल भैया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सोनिक और फ्लैश कैसे कम्बाइन हो सकते है? हो सकता है गाइस, हो सकता है। आज हम इसी वीडियो में वही देखने वाले है कि कैसे सोनिक और फ्लैश कंबाइन होकर के एक होते हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, प्यार दिखाओ यार, प्यार। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोल भैया, मेरे को एक बात नहीं समझा। क्या समझा नहीं सिंचन तू? बोल भैया, हम अभी सोनिक और फ्लैश को ढूंढेंगे कैसे? सिंचन, सोनिक को तो ढूंढना इजी है। बोल भैया, वो कैसे? क्योंकि सोनिक तेरे को ही मैं बनाने वाला हूँ। मेरे को सोनिक बनने का मौका मिलेगा आज? हाँ सिंचन, आज तेरे को सोनिक बनने का मौका मिलेगा। और फ्लैश? फ्लैश को ढूंढने के लिए एक चीज करना पड़ेगा। बोल भैया, कौन सा चीज और कैसा? फ्लैश को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एक मतलब एक मैंने कुछ भारे के गुंडों को मैंने हायर किया है। बोल भैया, मैं समझा नहीं, भारे के गुंडों को कैसे आपने हायर किया? मतलब सिंचन, मैंने कुछ गुंडों को हायर किया है और उनको मैंने यह बोला है कि जाकर के लूटो, बैंक को लूटो, और जैसे ही वो लोग बैंक लूटेंगे तुरंत वहां पे आ जाएगा फ्लैश। बोल भैया, आप श्योर हो? फिर एंड सिंचन, जैसे ही फ्लैश आएगा गुंडों को मारने के लिए और मुझे बचाने के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं उनको बचाने के लिए, तब मैं क्या करूंगा सिंचन, फ्लैश के ऊपर एक एनर्जी बीम छोड़ दूंगा जिसके मदद से फ्लैश हो जाएगा बेहोश। बोल भैया, आप श्योर हो ना? इसके चक्कर में आपको तो पिटाई नहीं मिलेगा ना? नहीं सिंचन, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ ना कुछ। और सोनिक को कैसे आप मुझे बनाओगे? सिंचन, सोनिक बनाने के लिए तेरे को लेके जाना पड़ेगा मुठ्ठू स्वामी के पास। बोल भैया, मुठ्ठू स्वामी के पास? वाह, मुठ्ठू स्वामी के पास हम लोग बहुत दिनों के बाद मिलने वाले ही। हाँ, मुठ्ठू स्वामी से हम लोग बहुत दिनों के बाद मिलने वाले, तो फिलहाल हम लोग जाते उन भाड़े के गुंडों के पास। अरे बॉस, आप फाइनली आ गए हो। अरे बॉस बॉस करके मत बुलाओ यार, फ्लैश को अगर पता चल गया कि ये सब मेरा कट्टूट है तो फ्लैश मेरे का तो पीटेगा ही, लेकिन तुम लोग को और गंदी तरीके से पीटेगा। ओके ओके, बॉस आपको बॉस नहीं बुलाएंगे। अरे यार बॉस बॉस नहीं बुलाना है, अभी तुम लोग जाओ बैंक में जाकर के एक्टिंग करो, ठीक है? एक्टिंग करो कि तुम लोग लूटने वाले हो, ठीक है? और उसी वक्त सिंचन और मैं घुसूंगा, ठीक है? एंड तुम लोग क्या करना, हमारे ऊपर बंदूक टांग देना। ओके ओके बॉस, हम लोग वही करेंगे। ओके जाओ, अभी जाओ। ओके सिंचन, ये लोग तो चले जाएंगे, चलो हम भी चलते हैं। अरे बुल भैया, आप ऐसे चुपके क्यों बैठे हो? सिंचन तू देख नहीं सकता क्या? ये है वो बैंक, और किसी भी वक्त वो गुंडे लोग आने वाले हैं और बैंक को लूटने का एक्टिंग करने वाले। तो इसलिए बोल भैया, आप चुपके बैठे हो ऐसे? हाँ सिंचन, उधर चल, उधर चल, उधर चल सिंचन, आ जा इस तरफ, आ जा इस तरफ, आ जा, नहीं तो प्लान समझ जाएंगे सब लोग, हमारे प्लान को समझ जाएंगे यार। अभी भी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी से आ सिंचन, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, इधर ही चुपके वेट करते हैं, वो लोग आएंगे ही बस। चलो बॉयज, एक्टिंग शुरू करते हैं। ओके बॉस, चलो चलो। और वो रहा बैंक, डायरेक्ट बैंक में घुसा देंगे गाड़ी को। ओके बॉस। सिंचन, मेरे को लग रहा है वो लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, आगे आगे। सिंचन तू इधर चुप, इधर चुप। अरे यार, ऐसे एंट्री करने को कौन बोल रहे? चलो बॉयज अंदर चलते। यार ऐसे कौन जाता है यार? सिंचन, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। चल चल चल, बैंक के अंदर चलते, देखते हैं वो लोग क्या करे। ओके बोल भैया, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। जल्दी आजा सिंचन, देख यार गाड़ी को कैसे ऐसे ठोक के कौन जाता है यार, ओवर एक्टिंग की भी हद होती है यार। अगर फ्लैश इन लोगों को सच में पीट देना तो मैं कोई गारंटी नहीं लेने वाला। ओके आजा आजा आजा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बॉस, आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे यार एक्टिंग करना है ना यार। अरे बॉस, आप अपना हाथ ऊपर करो ना, तभी तो एक्टिंग अच्छा होगा ना। अरे यार इन लोग को कौन सिखाएगा? सिंचन आजा, एक्टिंग करते हैं, आजा आजा आजा। हाँ बोल बे। तुम लोग इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ। बॉस हाथ ऊपर करो। अरे बॉस मत बुलाओ। और तुम टेबल के ऊपर क्या कर रहे हो? अरे टेबल के ऊपर क्या कर रहे हो? अरे इससे ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा लगता है एक्टिंग। अरे यार फ्लैश तुमको जरूर पीटने वाला है, किसी भी वक्त इधर फ्लैश आने वाला है, और तुम लोग मेरे को प्लीज बॉस मत बुलाओ। ओके बॉस, नहीं बुलाएंगे बॉस। अरे यार तुम लोग का क्या ही करेंगे यार, फ्लैश किसी भी वक्त आने वाला है, एकदम चुप, बस ऐसे बंदूक दिखाते रहो। ओके बॉस, ओके। अरे यार मैं ऐसे ही छत पे घूम रहा हूँ, वाई बोलो। एक बैंक में रॉबरी हुआ है। एक बैंक में रॉबरी? मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम जल्दी से उस बैंक में पहुँचो। अरे मैं द फ्लैश हूँ यार, मैं चुटकी भर में पहुँच जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज दो। मैंने भेज दिया तुम्हें बैरी, तुम अभी जा सकते हो। ओके फ्लैश आ रहा है। ओके मैं लोकेशन पे आ गया हूँ,
तो मुझे अभी बचा लेना चाहिए, तो इसी बैंक के अंदर होगा शायद से, और मैं अभी अपने टाइम को स्लो करने वाला हूँ। चलो टाइम को स्लो करते हैं। तो हो गया है टाइम को स्लो, अभी देखते हैं इस बैंक के अंदर कौन फंसा हुआ है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो चार चार गुंडे, एक छोटा सा बच्चा भी है। चलो मैं इन दोनों को बचा लेता हूँ, पहले इस आदमी को बचा लेता हूँ, इसको बाहर रख के आता हूँ। ओके, तुम इधर ही वेट करो, और फिर एक छोटा सा बच्चा भी है उसको भी बचा लेते हैं, फिर मैं इन गुंडों की धुलाई करने वाला हूँ। चलो बच्चे चलो, फ्लैश इज हियर, तो टेंशन मत लो। अब यहाँ पे फ्लैश का टूर दिखाएगा, ये लोग बंदूक दिखा रहे हैं ना, चलो इन लोग के बंदूक को ही ले लेते हैं। तुम भी अपना बंदूक दो, तुम भी अपना बंदूक दो, और तुम भी अपना बंदूक दो। अभी तुम लोग के पास बंदूक नहीं है। हमें माफ कर दो फ्लैश, हमें माफ कर दो। माफ कर दो तुम लोग को, लेकिन बैंक लूटने क्यों आए थे? हम बैंक लूटने नहीं। अरे तुम्हारे पीछे वाले तो अभी भी मुझे बंदूक दिखा रहा है। अरे ये पागल हो गया है शायद। तो तुम मुझे अभी भी बंदूक ही दिखा रहे हो। अरे माफ कर देना, माफ कर देना फ्लैश प्लीज, हमें जाने दो। चलो ठीक है जाने देते हैं, लेकिन एक को तो पनिशमेंट मिलेगा। अरे किसको पनिशमेंट मिलेगा? तो पनिशमेंट तुमको मिलेगा। पनिशमेंट ये है तुम्हारा कि मैं तुमको अभी बिल्डिंग के ऊपर छोड़ के आऊंगा, इस वाले बिल्डिंग के ऊपर। मजा आया रहा है, बहुत दिनों के बाद बिल्डिंग में ऐसे चला हूं मैं। ओके ओके, मैंने उसको बिल्डिंग के ऊपर छोड़ के आया। अभी मुझे, मैंने जिसको बचाया था उन दोनों के पास जाना चाहिए। कहाँ है वो दोनों? अच्छा तुम दोनों ठीक हो ना? वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सिंचन नुहारा। तुम्हारा चश्मा काफी ओपी लग रहा है। और तुम्हारा नाम क्या है ग्रे जैकेट वाले? मेरा नाम है बोल्ट। ओके बोल्ट, सुन के शैतान जैसा लग रहा है। अरे शैतान नहीं यार, प्यार भरा नाम है यार। ओके, चोट तो नहीं लगा ना तुम दोनों को? हाँ लगा है मुझे थोड़ा सा। बोल्ट भाई आपको चोट लगा है क्या? अरे सिंचन एक्टिंग कर। अच्छा एक्टिंग है? क्या एक्टिंग है? अरे नहीं नहीं, ये कहने का इसका मतलब है कि डाइटिंग है। अच्छा तुम डाइटिंग कर रहे हो क्या? अभी घर तो जा सकोगे ना? एक्चुअली मेरे पैर में ना थोड़ा सा चोट लगा है, इसलिए मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो तुम लोग का गाड़ी कहाँ है? ये वाला गाड़ी? अरे वाह, तुम लोग तो मुस्टैंग लेके घूम रहे हो यार, काफी पैसा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये गाड़ी तो भाड़े की है। अच्छा भाड़े की है क्या? ओके तो आ जाओ, मैं तुम लोग को ड्राइव करके घर छोड़ देता हूँ। तुम लोग का घर का लोकेशन तो पता है ना? अरे पता है पता है, मुझे पता है। बोल भाई को अपने घर का लोकेशन ही पता नहीं है। अरे सिंचन हर वक्त इंसल्ट करना जरूरी है क्या? ओके ओके, अब सिंचन हम लोग प्लान अप्लाई कर पाएंगे। बोल भाई कौन सा प्लान? हम लोग फ्लैश को बेहोश करेंगे। ओके ओके बोल भाई, ये और बच्चे तुम ऐसे जाओगे क्या? हाँ मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है, और वैसे भी ये गाड़ी टू सीटर है ना, तो इसलिए ऊपर ही जाना पड़ेगा ऐसे। ओके संभाल के तुम गिर मत जाना। अरे नहीं गिरेंगे, मैं फुल ऑन एक्सपीरियंस हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस हो? ओके तो अभी फ्लैश हमको छोड़ने वाला है। ओके और बताओ बोल क्या करते हो तुम? मैं बोल भैया लोगों को भोंडू बनाते हैं। अरे क्या बोल रहा है सिंचन, मैं लोगों के लिए बर्गर बनाता हूँ। बर्गर? अच्छा रेस्टोरेंट का काम है? हाँ हाँ छोटा मुद्दा एक रेस्टोरेंट का काम है। ओके तुम लोग का घर बताओ। हमारा घर ना, एक काम करना पड़ेगा आपको, लोकेशन देता हूँ, इस लोकेशन पे जाइए। अरे बोल्ट और सिंचन हम लोग इतने दूर आ गए, तुम्हारा घर इतना दूर है क्या? अरे हाँ हाँ बस इधर ही, इधर ही, इधर ही। बोल भाई इधर हम लोग का घर कैसे है? सिंचन तो चुप हो जा यार, प्लान को यार अप्लाई कर रहा हूँ यार, तभी तो फ्लैश को बेहोश कर पाएंगे ना। अरे अच्छा ओचे, मैं भूल गया था ये प्लानिंग है। अरे 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 सिंचन कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं बोल भैया, नहीं नहीं। ओके उतर जाओ, अभी कैसे जाओगे तुम लोग? अभी मैं चला जाऊंगा फ्लैश, अभी मुझे मेरे पैर का जो दर्द है वो ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, वैसे ये सीनरी बहुत अच्छा है ना? हाँ ये सीनरी काफी कूल है। बोल भैया क्या आप वो वेपन चलाने वाले हो? मन करता है कि सीनरी को देखता रहो। हाँ 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 फ्लैश, ये सीनरी काफी सुंदर है, बहुत ज्यादा दिन के टाइम में तो और ज्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन अभी तो कोहरा है ना इसीलिए। आई एम सो सॉरी फ्लैश। अरे बोल भैया ये क्या कर दिया आपने? आई एम सो सॉरी फ्लैश, लेकिन करना पड़ा यार सिंचन, करना पड़ा। ओके फ्लैश बेहोश हो गया सिंचन, अभी इसको मुट्टू स्वामी के पास लेकर के जाते हैं। और मैं सोनिक कब बनूंगा? तू सोनिक उधर ही बनेगा। ओके सिंचन हमने फ्लैश को बोट में डाल लिया। बोल भैया संभल के चला दे, मैं आगे खड़ा होके जा रहा हूँ। सिंचन तेरे को आगे खड़ा होके क्यों जाना है? बोल भैया मैं गिर जाऊंगा। अरे बोल भैया मैंने तेरे को बोला था ना सिंचन। ओ बच गया बच गया, तू इधर आ जा, तू यार पीछे आ जा, पीछे आ जा। ओके बोल भैया आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे वो रहा सामने की ओर मुत्तू स्वामी। ओके तो फ्लैश अभी सो रहा है सिंचन, फ्लैश के जागने से पहले ही वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं मुत्तू स्वामी को बुलाता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। बोल भैया मुत्तू स्वामी।
अरे बोल्ट, तुम इतने दिनों बाद, अरे बाप रे क्या ही सरप्राइज है। अरे आपने मुझे फोन किया था यार, आपको याद है ना आज मैं फ्लैश और सोनिक को कंबाइन करने वाला हूँ। हाँ हाँ मुझे याद है, याद है, और मशीन भी तैयार है। और फ्लैश कहाँ है? वो रहा पीछे। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखिए फ्लैश ये है। अरे फ्लैश तो अभी सोया पड़ा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जाग के उठने वाला। अरे ऐसे मत बोलिए यार, अगर ये जाग के उठ गया ना तो मैं हमेशा के लिए सोने वाला हूँ। ओके ओके, तो फिर जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे सिंचन को बनाना पड़ेगा ना अभी सोनिक। हाँ सिंचन को सोनिक बनाना पड़ेगा। एक काम करो सिंचन बेटा, वो जो सामने वाला पोर्टल है उसमें जा करके अपने आपको सोनिक में बदल लो। ओके ओके मैं जा रहा हूँ। जल्दी से जा सिंचन, जल्दी से जा। ओके जा रहा हूँ। बल्बू ये कौन सा वाला पोर्टल? वो जो सामने की ओर पिंक कलर के पेड़ के पीछे। अच्छा हाँ हाँ दिख गया दिख गया। ओके अरे वाह, यहाँ पे योगा चल रहा है। हेलो योगा, कैसे हो आप सभी? अरे वाह ये रहा मशीन। इस मशीन को मैं कितने दिनों बाद देख रहा हूँ यार, तो चले इसके अंदर से चलते हैं। एक मिनट मैं भूल गया, एक चीज करना पड़ेगा ना, मुझे जिस भी करेक्टर बनना है उसका नाम पुकारना पड़ेगा। ओके सोनिक बनना है मुझे, सोनिक, तो मुझे सोनिक बना दो बड़े से मशीन। ओके अरे वाह मैं तो सोनिक बन गया हूँ। अरे वाह गाइस ये देखो मैं सोनिक बन गया हूँ, अब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आने वाले। मैं बोल भाई के पास जाता हूँ। बोल भाई। अरे सिंचन तू बन गया सोनिक? हाँ मैं बन गया हूँ सोनिक, ये देखो अब मजा आने वाला है। अब सुनो, आप तुम लोग के पास ज्यादा वक्त है, किसी भी वक्त फ्लैश जागने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे ये क्या चीज है? ये है मेरा न्यू फ्यूजन मशीन। इस मशीन के सहारे तुम बड़े बड़े सुपर हीरोज को फ्यूज कर पाओगे। अरे वाह, अब सुनो ध्यान से, अभी तुमको सिंचन को भी बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्यों यार, मैं तो ठीक ही हूँ ना। नहीं सिंचन, तुम बेहोश होगे तभी दोनों बॉडी लिंक होगा। अच्छा फिर कर दो बेहोश यार। ओके सिंचन, आई एम सो सॉरी तेरे को बेहोश करना ही पड़ेगा। पर मेरे को दर्द लग रहा है, छोटू सा दर्द होगा, लेकिन तू ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक है? ओके पर मैं लगा। अरे पल पे। ओके बोल्ट, अब दोनों के दोनों हो गए हैं बेहोश। हाँ अब क्या करना पड़ेगा? अब ये लो, क्या दे रहे हो? ये लो ये कौन सा डिवाइस है? अब इस बटन को प्रेस करते ही ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा मेरे को दर्द लग रहा है, डरो मत, थोड़ा पीछे हो लो लेकिन। ओके अब दबाओ, मैं जैसे ही बोलता हूँ वैसे ही दबाना। ओके ओके ओके, 3, 2, 1 दबाओ। बोल दबाया। गाइस मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। अरे मेरा कभी बिलीव नहीं हो रहा है यार, मुत्तुस्वामी तुम तो ओपी हो यार। अरे मुत्तुस्वामी के डिवाइस ने सोनिक और फ्लैश को गाइस कंबाइन कर दिया है और वो बन गया है सोनिक फ्लैश। अरे पुल पे सही में वे सोनिक फ्लैश बन गया हूँ। हाँ सिंचन तुम सोनिक फ्लैश बन गया और तुम्हारे पास अभी गॉड स्पीड है। गॉड स्पीड मतलब तुम इतने तेजी से जा सकते हो कि समय रेखा को भी चीर फाड़ सकते हो। अरे वाओ तब तो टेस्ट करना बनता है। सिंचन प्लीज ज्यादा दूर चले मत जाना। अरे नहीं जाऊंगा पल भी, मजा आने वाला है यार। अरे वाह मैं इतना फास्ट हो गया हूँ, मैं इतना फास्ट हो गया हूँ कि हर चीज स्लो दिख रहा है यार, हर चीज स्लो दिख रहा है। वाह मजा आ गया यार। बोल भाई आप कहाँ हो? अरे मैं तो भूल गया, बोल भाई तो उधर ही रह गए मुत्तुस्वामी के पास। गाइस आप लोग देख सकते हो ये तो मेरा नॉर्मल स्पीड है, अब मैं आप लोग को सुपर स्पीड दिखाने वाला हूँ। ये है मेरा सुपर स्पीड और अब मैं आप लोग को अल्ट्रा स्पीड दिखाने वाला हूँ। अल्ट्रा स्पीड, आप लोग अल्ट्रा स्पीड को देख पाओगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं अल्ट्रा स्पीड दिखाने वाला हूँ। एक मिनट गाइस, मैं अल्ट्रा स्पीड आप लोग को समुंदर के पास दिखाऊंगा। ओके तो गाइस मैं आ गया हूँ समुंदर के पास और अभी आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ अल्ट्रा स्पीड। आप लोग रेडी हो ना? अपने दोनों आँख को खुल के रखो। ओके 1, 2, 3 गो। गाइस ये है अल्ट्रा स्पीड, तो आप लोगों ने अल्ट्रा स्पीड भी देख लिया, अभी मैं आप लोगों को गॉड स्पीड दिखाने वाला हूँ। तो चलो गॉड स्पीड दिखाते, ये देखो गॉड स्पीड, वो मजा आ रहा है ये देखो। अरे मुट्टू स्वामी ये सिंचन तो अभी तक आया नहीं। मेरे को लगता है सिंचन आज नहीं आएगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, सिंचन कुछ गलत काम करेगा नहीं तो। अरे टेंशन मत लो, वो छोटा सा बच्चा तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे यार सब लोग मेरे को इंसल्ट करो। वैसे मुट्टा स्वामी थैंक यू सो मच इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड अभी मैं अपने भाई लोग को बाय बाय कर लेता। ओके ओके, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही आओ यार, फ्यूजन करके देंगे ना। ओके ओके मैं बाय बाय कर लेता हूँ। गाइस आप लोग को ये वाला एपिसोड कैसा लगा? गाइस कैसा, एकदम दिल से कमेंट करके बोलिएगा और ये भी बोलिएगा
पड़ेगा कि आगे जाके मुझे कौन कौन से हीरो को फ्यूजन करना चाहिए। और गाइस आज का एपिसोड बस इधर ही एंड करते हैं। एंड गाइस आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को यार प्रेस करके ग्रे कर दो यार, अपने बोल भाई को प्यार दिखाओ। दिल है लाल कलर का, आप लोग भी लाल कलर के बटन को प्रेस करो। एंड गाइस मैं कूद गया एंड मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, बाय बाय। एंड मेरे को क्यों लग रहा है यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा शार्क है। अरे है ना यहाँ पे एक शार्क।